हाँ, चीप रेट और स्ट्रीट मार्केटिंग से याद आया, प्रेरणा दी। अगर ये वीडियो देख रही होंगी तो उनको काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको मैं बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि ये सारे स्ट्रीट मार्केटिंग के ही फल हैं, जो कि उनको काफी चीप रेट में 20 से 30 रुपीज में मिल जाते हैं। अगर आप इस बार दुर्गा पूजा यहाँ घूमने आइएगा तो मैं जरूर आपको ये सारी चीजें दिलाऊंगी यहाँ पे। और आपको तो ये पसंद भी नहीं है उतना, बट अगर पसंद आएगा तो मैं आपको दिलाऊंगी। अगर हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, फेस्टिवल सीजन को एंजॉय कर रहे होंगे। और जैसा कि मैंने ज्वेलरी कलेक्शन में कुछ आपको दिखाया तो कुछ बाकी था, तो आज मैं बाकी जो कल का वीडियोस का आधा पार्ट बचा हुआ है वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। और मेरे बगल में एक बर्थडे पार्टी है, तो सुबह से वहाँ पे डीजे पे लाउडली म्यूज़िक प्ले हो रहा है, तो जाके भी मैं कुछ एक्स्ट्रा सूट नहीं कर सकती। हाँ, वेदू का डांस जरूर दिखा सकती हूँ उसमें। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। और वेदू ने इतना ताम झाम देख लिया तो वो बार बार रिटर्न आ रहा है इन सारी चीजों को लेने के लिए, खेलने के लिए। खेलने का मतलब है कि वो इसको तोड़ के उसका सत्यानाश कर देना उसको। तो ये रहा ये जिनका जो लास्ट ईयर मैंने लिया हुआ था, ये भी मैंने एक बार शायद यूज किया, इसको कब यूज किया मुझे याद नहीं, बट रखा इसका ये पिकॉक मुझे अच्छा लगा था, इसकी वजह से मैंने इसको ले लिया था। और उसके बाद इयररिंग का कलेक्शन मेरे पास ज्यादा मिलेगा। और एक बात, और ये मांग टीका जिसकी शादी रानी की शादी में जो गई थी, शायद उसका गलती से ये मांग टीका मेरे पास रह गया, तो उसको मैंने संभाल के रखा है कि मैं जब कभी भी चाहूंगी तो उसको रिटर्न कर दूंगी। और वो शायद ये वीडियो देखेगी तो उसको समझ में आएगा कि ये उसका इंगेजमेंट के समय उसके लिया गया था, हम लोगों ने ये टीका लिया हुआ था जाके, तो शायद कभी शादी बाद उसी की शादी में शायद इसको हम लोग यूज करने के चक्कर में ये मेरे पास रह गया, तो मैंने इसको संभाल के रखा हुआ। देख लो भैया, मैंने संभाल के रखा हुआ, इसका कुछ भी कभी भी यूज नहीं किया मैंने, तो ये उसको रिटर्न कर दूंगी। तो ये मेरा नहीं है, ये रानी का है। ये एक ईयर रिंग हम लोग क्या कहते हैं उसको, मेला लगा हुआ था उसमें ये इयरिंग हम लोग लेके आए थे। ये काफ़ी चीप रेट में हम लोग को पड़ा था, तो ये डॉली की पसंद थी, जो मेरी फ्रेंड है उसकी पसंद थी ये, तो एक उसने अपने लिए लिया था, एक मेरे लिए लिया था। तो इसको मेरी मम्मी ने शादी में पहना हुआ था, बट ये इतना हैवी हो जाता है, मीन्स क्या वो ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है, बट सिर्फ अगर ये इयररिंग यूज़ कर लिया जाए तो किसी भी साड़ी के साथ, या फिर साड़ी के साथ ही अच्छा लगेगा, जैसे कि आपके पास ऑर्गेंजा साड़ी हुई, शिफॉन की साड़ी। ये रहा मेरा एक और मांग टीका, जिसके सारे नग गिर चुके हैं, बट फिर भी मैंने इसको संभाल के रखा हुआ। ये मैंने कब यूज़ किया था, ये अनुभ्या की शादी में मैंने लिया हुआ था, ये दिल्ली से लिया हुआ था मैंने, शायद उस समय ये 190 का मुझे पड़ा था। मतलब मेरे पास जो ज्वेलरी है, अगर वो डैमेज भी हो जाएगी तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ। पता नहीं मेरा ये ज्वेलरी से क्या अटैचमेंट है कि अगर उसका एक लूप भी निकल जाए तो वो लूप मैं संभाल के रख देती हूँ, तो जैसा ये देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने ये लिया था, ये काफ़ी प्रिटी लगता था, और अभी तो इसका नग वगैरह निकल गया है, तो थोड़ा सा देखने में ये लगता है, खराब लगता है। और ये भी मैंने फेरी वाले भैया से लिया हुआ, जैसा कि देख सकते हैं क्लियरली, ये बड़ा प्यारा लगता है। इसको मैंने पहना है, एक दो बार पहना हुआ इसको, उसके बाद से इसको अभी रखा हुआ, रिसेंटली में ही इसको लिया है, इसको ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया। तो देख सकते हैं मेरे पास इयर रिंग का कलेक्शन बहुत है, मतलब कम से कम 12-13 मेरे पास झुमके मिल जाएंगे आपको। और ये रिंग मैंने लिया हुआ था अपनी शादी में, इसके भी कुछ नग निकल चुके हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप क्लियरली, तो 3-4 जगह से निकल गए, बट ये अच्छा लगता है। तो जब भी कभी मैं सीरियल वगैरह देखती हूँ उसमें किसी एक्टर या एक्ट्रेस के रिंग के या फिर इयर रिंग के नग गिरे रहते हैं या मिसिंग रहते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि चलो मेरे पास ही ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब उनके पास भी है कि वो एक दो नग मिसिंग वाले इयर रिंग और क्या कहते हैं एक्सेसरीज यूज़ कर रहे हैं। तो फिर मुझे लगता है कि हाँ, रख लेती हूँ कभी कभार, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी। जैसे इसको मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, ये मुझे पसंद है, और शायद इसका नग इसी में कहीं होगा, क्योंकि बेदू
इधर उधर इधर उधर कर देता है। ये इंगेजमेंट के समय, मेरे इंगेजमेंट के समय मतलब आज से 5 साल पहले, 5 या 6 साल पहले ये भाभी ने मुझे दिया हुआ था, तो ये भी मैंने संभाल के रखा, इसको पहनती नहीं बट ऐसे इसको संभाल के रखा हुआ। ये तो मुझे भी याद नहीं कि ये कितना पुराना है, मतलब ये कितना, 10 साल पुराना, हाँ 10 साल पुराना तो मान सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 7 ईयर एगो की पिक्चर थी, उसमें ये मैंने पहना हुआ था, तो ये तब से वैसे ही पड़ा हुआ। पहले मैं ये पहन लेती थी बट अभी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाती पहनने में, इधर चुभता है उधर चुभता है, तो इसकी वजह से इसको मैंने रखा हुआ है संभाल के। इसका सेकेंड पेयर भी कहीं होगा। और एक ये रहा, ये भी हम लोगों ने रामलीला मैदान, हम लोग क्या होता लगता है एक मेला, उसमें से मैंने लिया था, जैसा कि देख सकते हैं इसको। तो मैं इस तरीके के टॉप, ये रहा उसका पेयर, देख सकते हैं कितना प्रिटी लगता है। ये मेरे भाई ने रक्षाबंधन में गिफ्ट किया था, छोटे ने, वो लगभग शादी से 2 साल पहले का, मतलब 5 साल पुराना है ये, बट इसकी शाइनिंग वाइनिंग सब वैसी की वैसी। इसका इयररिंग मैंने काफ़ी यूज़ किया बट ये पेंडेंट अभी पड़ा हुआ है, इसको अभी यूज़ नहीं किया मैंने। और गोल्ड में डालती हूँ तो डर लगता है क्योंकि इसका वेट काफ़ी हैवी वेट है, तो ये कहीं से डैमेज ना हो जाए, इसकी वजह से मैं इसको यूज़ नहीं करती। तो ये रहा झुमके का कलेक्शन, ये रहा, ये मैं फर्स्ट टाइम जब दुर्गा पूजा घूमने गई थी तो फिर मैंने ये लिया हुआ था, देख सकते हैं कितना प्यारा डिज़ाइन है। तो ये काफ़ी चीप रेट में मिलता है, हाँ चीप रेट सिल्वर की ये एक ज्वेलरी इसी में थी, ये है रूबी का दिया हुआ, मेरी एक फ्रेंड है रुक्मिणी शाही, जो घर का नाम उसका रूबी है, उसका ओरिजिनल नाम नहीं पता मुझे, जैसे कि मुझे सब काजल के नाम से जानते हैं, वैसे अन्नपूर्णा है सर्टिफिकेट में, तो वैसे उसको रूबी के नाम से जानते हैं। तो ये चांदी की पायल उसने मुझे गिफ्ट की थी, ये आज भी मेरे पास है, और मुझे लगता है जब तक मैं रहूँगी तब तक मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से संभाल के रखूँगी, मैं इसको मतलब संभाल के रखूँगी। और ये चोकर मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ था, ये उस समय भी ऑक्सीडाइज का काफ़ी क्रेज़ था, तो मैंने मंगाने को तो मंगा लिया बट इसको एक बार भी मैं कैरी नहीं कर पाई, ये काफ़ी मतलब ट्रेंड में है यहाँ पे, और अक्सर ये बंगाली अपने साड़ी के साथ इनको इसको कैरी करती हैं, बट मैंने अभी इसको एक बार भी कैरी नहीं किया, लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं पूजा में इसको कैरी करूँगी ही करूँगी। ये प्यारा सा इयररिंग मेरी ननद ने मुझे गिफ्ट किया था, वो जब भी मुंबई गई थी तो वहाँ का कौन सा मॉल है, मॉल का मैं नाम भूल गई हूँ, तो शायद वहाँ का कोई फेमस मॉल है, वहाँ जाने पे उन्होंने ये लिया हुआ था मेरे लिए, तो लेके आई थी, ये काफ़ी कॉस्टली पड़ा था, तो अब कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि वो ब्रांडेड चीज़ें ही लेती हैं और उनको वहाँ ऐसी जगहों पे जाना अच्छा लगता है, तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया, लेकिन जब उन्होंने इसका प्राइस मुझे बताया तब से मैं इसको संभाल के रखती हूँ, क्योंकि इतना महंगा कौन लेता है भाई, कौन लेता है, मतलब मैं जितनी ज्वेलरी।
ये रहा मेरा ज्वेलरी का कलेक्शन। एक और चीज़ है लास्ट थिंग, ये है मेरे पास, और एक ये है। तो ये 20 रुपीज़ में मुझे पड़ा था, ये 30 रुपीज़ में पड़ा था। तो ये शादी के पहले की ज्वेलरी है, ये शादी के पहले का ईयर रिंग है, और ये शादी के बाद का। तो ये बहुत सारी चीज़ें। आपको मेरी ज्वेलरी कैसी लगी और मेरा वीडियो कैसा लगा होगा ये आपके लाइक बटन प्रेस करने से पता चलेगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।